एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आइए एक अहम टॉपिक भविष्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में पढ़े थे। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए। तो आइए देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आते हैं वे भविष्यकाल होते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में आ जाएगा, सुभाष देर तक पढ़ेगा, वह आम लाएगा, वह किताब पढ़ेगा, हम सर्कस देखने जाएंगे। राज कल पढ़ेगा, कमला नाचेंगी। वाक्यों के अंत में गा गे गी का प्रयोग हुआ है। भविष्यकाल के भेद। भविष्यकाल के तीन भेद हैं। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतुमध्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अंत में आएगा, आएंगी, आएंगे, आते हैं उन्हें सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इससे क्रिया के भविष्य में होने का पता चलता है। जैसे वह खाना खाएंगी, बच्चे खेलने जाएंगे, वो घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, वो पढ़ेगा, राज आएगा। राजू पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे, संभाव्य भविष्य का। आने वाले समय में किसी क्रिया के होने की संभावना होने पर संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे शायद वर्षा होगी, शायद प्रधानमंत्री दिल्ली आएंगे। हेतु हेतुमध्य भविष्यकाल। आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर संपन्न होगी तो उसे हेतु हेतुमध्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेंगी। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। सफलता निर्भर है यहाँ पर मेहनत पर। प्रिय छात्र, ऐसे शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।